सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जिसे हम सभी इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम सेफोटैक्सिम के नाम से जानते हैं। सेफोटैक्सिम आपका दवा का मूल एवं कॉम्पोजिशन नेम हो जाता है। अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका टैक्सिम इंजेक्शन, बायोटैक्स इंजेक्शन, ओमनी सेफ इंजेक्शन, सी टैक्स इंजेक्शन एवं ल्यूपी टैक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चार पांच कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, बट जो दवा का मूल कंपोजिशन होगा वह आपको सेफोटैक्सिम ही होगा। यह जो सेफोटैक्सिम है, यह आपको 500 मिलीग्राम एवं 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको इंजेक्शन फॉर्मेट में मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो वीडियो के अगले हिस्से में हम सीखेंगे इसके यूजेज के बारे में विस्तार से, कि किस किस कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह सेफोटैक्सिम इंजेक्शन लगाया जाता है, साथ ही साथ लगाने का सही तरीका क्या होता है, मतलब किस रूट ऑफ माध्यम से पेशेंट को लगाया जाता है एवं किस डोज में पेशेंट को लगाया जाता है। इसके अलावा हम वीडियो में सीखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि जब किसी पेशेंट को यह इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके अंदर क्या कुछ इंस्टेंट साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है और कुछ लेट साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। और वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में, कि क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका सेफोटैक्सिम इंजेक्शन है वह आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, और एंटीबायोटिक्स का यूज आप सभी जानते ही हैं कि इसका प्रयोग आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है पेशेंट को। तो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको लंग्स में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह सेफोटैक्सिम इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, जिस वजह से व्यक्ति को पेशाब में जलन रहती हो, पेशाब में दर्द फील होता हो, या फिर पस लाइक फॉर्मेशन आ रहा हो, येल्लो कलर का यूरिन आ रहा हो, तो उन सारे कंडीशंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो सेफोटैक्सिम इंजेक्शन है वह प्रयोग में लिया जाता है। वहां पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति जिनके ईयर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, आंखों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, थ्रोट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, साथ ही साथ अगर व्यक्ति के नोज में, माउथ में, या फिर स्किन पर भी अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा यह सेफोटैक्सिम इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा समटाइम्स आपको सेफोटैक्सिम इंजेक्शन का प्रयोग टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा यूजेज की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी साइट इन्फेक्शंस, मतलब जहाँ पे उसको इंसिजन लगा हुआ हो, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, उससे भी प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी भी कई बार डॉक्टर्स इस इंजेक्शन का प्रयोग लेते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पे कोई नई इंजुरी हो, कोई वाउंड हो, या फिर कोई ओल्ड इंजुरी हो, तो उससे भी हील करने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बातें करते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के बॉडी पे किसी भी टाइप का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। हम इसका नंबर वन रिजल्ट देखने को मिलता है। सेफोटैक्सिम इंजेक्शन को जो लगाने का माध्यम होता है, वह मोस्टली आपको आईवी ही लगाया जाता है, मतलब किसी पेशेंट को इंट्रावेनस ही लगाया जाता है, या फिर इन्फ्यूजन आईवी भी लगाया जाता है। समटाइम्स इसे आप आईएम भी प्रयोग में ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसका आईवी प्रयोग लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वह आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी कंडीशंस किस प्रकार से है, उस प्रकार से डॉक्टर्स आपको 500 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम के जो इंजेक्शन आते हैं वह आपको लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन को आप दिन में 1 बार या फिर 2 बार भी प्रयोग में ले सकते हैं, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वह आपका 3 डेज, 5 डेज, इवन 7 डेज तक भी आपको डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। वह आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर हम सेफोटैक्सिम इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपको नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है, और इसके अलावा इंजेक्शन लगाए गए साइड पे आपको कुछ एलर्जी सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन सा चल सकता है, या फिर स्किन रैशेज आपको दिख सकते हैं। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो आप फर्दर अपने डॉक्टर को बताएं ताकि जो डॉक्टर है वो कोई अच्छी सी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इस सेफोटैक्सिम इंजेक्शन के कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। तो सेफ्टी एडवाइस में तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें कि आप इसका प्रयोग ओटीसी के रूप में मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके किसी भी पेशेंट को ना दें। साथ ही साथ जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो अपने डॉक्टर को अपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको दे सके। इसके अलावा आप इसका प्रयोग बच्चों के लिए अगर आप करते हैं तो लो डोज में करें, और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। साथ ही साथ आप यह ध्यान रखें कभी भी ओवर डोज प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपको कुछ रिवर्स साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है सेफोटैक्सिम इंजेक्शन के बारे में, जो कि आपका एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इसी तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।